तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि आपको पता है, ईद आने वाले हैं। यदि तो नियम आर्ट वाले वीडियो आप बनाते हैं तो आपके वीडियो पे भी काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनवास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ घंटी का आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन से आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे। इस वीडियो में आपको साउंड ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो में ऑलरेडी साउंड ऐड है। इसके बाद हम स्टार्टिंग पॉइंट पर आते हैं, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद आपको एक फ़ोटो को क्लिक कर लेना है, तो मैंने एक उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये इमेज जो आप देख सकते हैं, ये जो इमेज हमारा PNG में है। तो फोटो को आपको PNG में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं वीडियो को लास्ट में बता दूंगा। तो इस इमेज का वो कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है और साइड में आपको लेकर आ जाना है और इसे आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। इन एनिमेशन में आना है और यहाँ पर आपको दे देना है साइड अप और इसके बाद इसे आपको कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन तक कर देना है, यानी कि 15 सेकेंड के आसपास। इसके बाद डन करेंगे। इसके बाद वीडियो को प्ले करना है और इस पोजीशन में आना है 1.1 के आसपास, ठीक है। इसके बाद इमेज वाले लेयर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक ऑप्शन यहाँ मिल जाता है क्लिप पे, सिंपल क्लिक करना है। अगेन आपको आगे की तरफ लेकर आना है, सॉरी प्लस देना है। इसके बाद आगे की तरफ लेकर आना है, इसे आपको कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ कर देना है, फिर से आगे ले जाना है, फिर से ऊपर की तरफ करना है, फिर से आगे की तरफ लेकर आना है, फिर से ऊपर की तरफ कर देना है। आपको प्लस देने चल देते चलना है, ठीक है। इस कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। फाइनली हम वीडियो प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारा इमेज देख सकते हैं कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, ओवरले पे आना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आपको जो भी इफेक्ट डाउनलोड करना है, सिंपल आपको गेट मोड पर क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे आपको मोबाइल का डाटा ऑन होना चाहिए और इसके बाद बिल्कुल आसानी से यहाँ ये जितने भी इफेक्ट देख रहे हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हमें एक दो इफेक्ट को एडजस्ट करना है। सिंपल में एक इफेक्ट को ऐड करते हैं, कुछ इस तरह से हमें रोटेट कर लेना है। जैसे ही रोटेट करेंगे तो एक लाइनिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। इस पोजीशन में आना है, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर साइड में एडजस्ट करना है और इसे आपको कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में कर देना है। फिर से इस पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट ले लेंगे। फिर से इस पर क्लिक करेंगे, इसे आपको कुछ इस तरह से अब रोटेट कर देना है, ठीक है। मैंने रोटेट कर दिया हूँ, इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। जब हम वीडियो प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। लेयर पे आना है, ओवरले पे आना है और यहाँ पे आपको एक इफेक्ट और ऐड करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा इफेक्ट आपको ऐड करना है। सिंपल आपको लाइट पर क्लिक करना है और इस वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है और इसे आपको कुछ इस तरह से जूम कर लेना है और इसे आपको कुछ इस तरह से लास्ट तक कर देना है। फाइनली जब हम वीडियो प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। इसके बाद क्या करना है, लेयर पे आना है, इसके बाद मीडिया पे आते हैं। एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक PNG का भी लिंक दे चुका हूँ, सिंपल सेलेक्ट करना है। इसे आपको कुछ इस तरह से जूम कर यहाँ पे एडजस्ट कर देना है और इस इमेज को आपको इस तरह से फुल स्क्रीन में कर देना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे, आगे की तरफ लेके आएंगे और इस वीडियो इस पोजीशन में आना है। जैसे कि आप देखो सेंटर में हम आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको नाम देना है। सिंपल लेयर पे आना है, टेक्स्ट पे आना है और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है ईद मुबारक और नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे अपना आप नाम टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शैलेंद्र टाइप कर देता हूँ। इसके बाद डन करेंगे। इसके बाद कलर पे आएंगे, इसे आपको येलो कलर सेलेक्ट कर लेना है और इसे आपको कुछ इस तरह से बोल्ड कर देना है और इसे आपको कुछ इस तरह से जूम करना है और यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। इसके बाद इसे क्या करना है, इन एनिमेशन में आना है और यहाँ पर आपको फेड दे देना है, ठीक है। इसके बाद इसे हम फुल स्क्रीन तक कर देंगे कर देते हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देते हैं। इसके बाद जब हम वीडियो प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं। और ईद आने वाला भी है, यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, लेयर पर आना है, ओवरले पे आना है और यहाँ पे आपको फॉग इफेक्ट ऐड करना है। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और इसे आपको कुछ इस तरह से जूम कर नीचे की तरफ आपको एडजस्ट कर देना है और इसे आपको कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में कर देना है। फाइनली हम वीडियो को एक बार प्ले कर दिखा दे तो आप वीडियो देख सकते हैं, हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें साउंड ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इस वीडियो में साउंड ऐड है। सेटिंग पर क्लिक करेंगे, आइडो फेट आउट ऑफ करना है, शेयर पर क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।